नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। इससे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं वो है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो प्रेशर है वो किसके कारण से होता है, मोलिक्यूलर की कंटिन्यूसली बॉम्बार्डमेंट के कारण जो कंटेनर की वाल के ऊपर होती है। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे जो प्रेशर है ड्यू टू एन आइडियल गैस, तो वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक जो कंटेनर है क्यूब टाइप का ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरह की एक क्यूब टाइप का हम एक कंटेनर ले लेते हैं और इसकी एक्सिस ले लेते हैं एक, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इस तरह से ले लेते हैं। तो ये पैरेलल, ये बिल्कुल जो है इसके जो साइड है एक, मान लीजिए ये जो साइड है एक क्यूब की, मान लीजिए एल साइड है ये, तो इसके बिल्कुल इसके साथ ही ले लेते हैं, यानी कि ये एक्स और ये इसके साथ ले लिया हमने, ये वाई है और ये जो है थर्ड साइड जो है इसके साथ ये हमने ले लिया जेड एक्सिस ले लिया, यानी कि पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द क्यूब हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस हमने इसके अंदर ले लिए, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ये ले लिए। अब मानते हैं कि इसके अंदर कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं ये कोई एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका जो मास है वो एम है। तो इस जो गैस मॉलिक्यूल का मास जो है वो हम मान लेते हैं एम है, और अब ये जो है हम ये वाली साइड ले लेते हैं, इस साइड वाली जो ये क्यूब की ये वाली साइड है, ये साइड ले लेते हैं। अब ये जो है इससे टकराता है और फिर टकराकर जो है दूर जाता है। अब देखिए हमने बात की है आइडियल गैस की, ये ध्यान रखिएगा आइडियल गैस के अंदर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होती, ये हम करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं आइडियल गैस की। दूसरा, अगर कोई भी कोलिजन होता है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि जो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर करता है, अगर वो दूसरे टकराता है तो दूसरे को पूरी काइनेटिक एनर्जी वो देता है, या कहें कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता और मोमेंटम का लॉस नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में इसको। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इसका मास m है और ये जो है इसे टकराता है इसकी वाल से और टकरा कर जो है इस तरफ चला जाता है। अब मान लेते हैं जो मास m था ये किस वेलोसिटी से चला, अब ये जो पैरेलल ये y है, देखिए ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, यानी कि ये जो है वाई जेड एक्सिस हमने लिया है, वाई जेड बिल्कुल किससे टकराएगा, ये पैरेलल सरफेस लिया है, ये इस तरह का एक सरफेस लिया है जो वाई जेड प्लेन लिया है हमने, यानी कि ये वाई है, ये वाई वर्टिकल और इस तरह से ये जेड, तो ये वाई जो है और ये जेड है, यानी कि ये वाई जेड प्लेन लिया है जिससे ये मॉलिक्यूल टकराया। अब जो इसकी वेलोसिटी थी वो हम मान लेते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी थी, अब तीन कंपोनेंट है हमारे पास, तीन एक्सिस है एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो तो हम मान लेते हैं जो इसकी वेलोसिटी है वी एक्स वी वाई और वी जेड है, तो ये हम वेलोसिटी मान लेते हैं इसके, जो कि इस प्लेनर वाल से टकरा रहा है जो कि ये मॉलिक्यूल था, इस वेलोसिटी के साथ टकरा रहा है। और जैसे ही इसे टकराया, अब ये जो एल साइड है, अगर हम इसका एरिया देखें तो ये भी एल है हमारे पास, क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर है एल, ये भी एल है, तो एरिया क्या है हमारा जो है एल स्केयर के बराबर है, यानी कि जो इसकी साइड है दोनों उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एल स्केयर आ जाएगा। तो इससे जो है वो टकराया और टकराकर वापस गया, यानी कि इतनी वेलोसिटी से वो टकराया और टकराकर वापस गया। अब जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है जैसे कि हमने बात की, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है जब यहाँ पे यहाँ था ये इससे टकराया और यहाँ पर गया, तो जैसे ही ये टकराया तो रीबाउंड होगा, ये उतनी ही वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ रीबाउंड होगा, क्योंकि लॉसेस तो कोई है ही नहीं जैसे कि हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात की। अब यहाँ पर जो वाई और जेड कंपोनेंट है, अब ये वाई और जेड जो हमारा पैर ये प्लेन था, तो हमारा यहाँ पे वाई और जेड यानी कि ये वेलोसिटी कंपोनेंट और जो वी जेड जो वेलोसिटी कंपोनेंट है हमारे, तो ये तो चेंज नहीं होंगे कंपोनेंट वेलोसिटी के कोलिजन के साथ, सिर्फ ये एक्स वाला जो है वो चेंज होगा, क्योंकि ये हमने बिल्कुल जो है यही प्लेन लिया है वाई जेड की, इससे टकरा रहा है, तो ये एक्स जो है वो चेंज होगा। अब एक्स चेंज कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर वी एक्स था, जब ये टकराया और फिर ये वापस आया तो इसके अंदर आपको चेंज मिलेगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल है आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो आफ्टर कोलिजन इसका क्या होगा, वी एक्स तो होगा लेकिन वो माइनस में होगा, Vx से टकराया उतने ही वो रिबाउंड हुआ माइनस वी एक्स, लेकिन ये दूर गया, ये से टकराया ये से दूर गया, तो ये चीज जो वेलोसिटी है यानी कि इस तरफ आ रहा था प्लस में, वापस गया इस तरफ माइनस में ले लिया हमने, यानी कि x इस तरफ प्लस है प्लस और इस तरफ अगर हम लेंगे तो माइनस लेंगे, तो ये चीज, तो यहाँ पे ये प्लस में आया यानी कि प्लस वी एक्स के साथ टकराया लेकिन माइनस वी एक्स के साथ ये वापस गया कोलिजन के बाद। तो यानी कि ये तो था हमारा जब हिट हुआ किसके साथ, वाल के साथ, ये हमारे कंपोनेंट थे, लेकिन
अगर हम कंपोनेंट की बात करें कि जब ये टकराकर वापस गया तो यहाँ पर vx की जगह माइनस vx आ जाएगा, यानी कि ये जो कंपोनेंट बनेंगे माइनस vx माइनस सॉरी vy और vz, ये कंपोनेंट हमारे बनेंगे जब जो है वो टकराकर मॉलिक्यूल इस वाल से वापस गया। अफ्टर कोलिजन की बात कर सकते हैं आप, यानी कि ये है हमारा अफ्टर कोलिजन, ये अफ्टर कोलिजन है और ये जो है टुवार्ड्स द वॉल जा रहा है, आप इसको लिख सकते हैं ये क्या है बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है, ये अफ्टर कोलिजन है, यानी कि यहाँ पे एक्स के अंदर जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो जो है यहाँ पे माइनस लग गया है क्योंकि ये टकराकर वापस आया है नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप कहें नेगेटिव वेलोसिटीज की, हमने माइनस साइन इसके आगे लिया है। अब अगर हम बात करें जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है मोलिक्यूल का वो क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल जो मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या था, अगर हम एक्स डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि वी वाई और वी जेड के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी कंपोनेंट के अंदर, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर ही बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा मोमेंटम क्या होता है एम वी, तो यहाँ पे वी एक्स है वेलोसिटी का कंपोनेंट, लेकिन जो फाइनल मोमेंटम है यानी कि आफ्टर कोलिजन क्या है माइनस का वी एक्स है आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस फाइनल मोमेंटम में और यहाँ पर ये माइनस का साइन है। इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये एम वी हो जाएगा यानी कि सीधा एम वी एक्स हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वी एक्स ये हो जाएगा। अब ये माइनस का एम वी एक्स और ये भी माइनस का एम वी एक्स, तो ये कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू एम वी एक्स, तो ये जो है हमारा आ जाएगा जो कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम आया है, यानी कि लीनियर मोमेंटम ऐसे टकराया ऐसे गया, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आया है यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस टू एम वी एक्स। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब ये से टकराएगा, जितना इसने वाल को दिया तो जो मोमेंटम इंपार्ट हुआ है इस वाल के ऊपर जिससे ये टकराया है तो वो जो है इसी के बराबर होगा, लेकिन ये माइनस में है तो वो प्लस में होगा। तो अगर हम बात करें कि जो मोमेंटम इंपार्ट हुआ है वाल ऑफ द क्यूब को एक कोलिजन के अंदर, सिर्फ एक कोलिजन की बात कर रहे हैं यहाँ वन कोलिजन में, तो ये माइनस का 2m है तो वो कितने का हो जाएगा प्लस का 2mvx, बराबर तो इसी के होगा क्योंकि ये पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा। अब ये माइनस है अगर इसकी वैल्यू जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की, तो यानी कि इसका जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो प्लस 2mvx होगा अगर हम एक कोलिजन की बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई आप एक स्मॉल इंटरवल टाइम इंटरवल ले लेते हैं जिसके अंदर ये से टकराया है, अब वो मान लेते हैं कि टाइम इंटरवल जो है हमारे पास डेल्टा टी है। अब जो मोलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ये चल रहा है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ यानी कि vx के साथ यहाँ पे चल रहा है और इसने इस वाल को हिट किया और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर हम बात करें जो कितना डिस्टेंस होगा, ये डेल्टी है ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस क्या होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा vx इंटू डेल्टी, टाइम इंटरवल डेल्टी हमने लिया, vx वेलोसिटी का कंपोनेंट है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि vx इंटू डेल्टी हो जाएगा। अब देखिए जो सारे मॉलिक्यूल हैं, अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल की बात की, अगर सारे मॉलिक्यूल की बात करें जो इस वॉल्यूम के अंदर लाई कर रहे हैं, अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इस जो हमारा डिस्टेंस है एक तरह से वॉल्यूम इन विच मॉलिक्यूल लाइंग कैन हिट द वॉल, जितने भी यहाँ पर इस वॉल्यूम में मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं वो हिट कर सकते हैं इस वॉल को, इसका मतलब ये तो एक मॉलिक्यूल की बात की, तो हमें ये एरिया की भी बात करनी पड़ेगी, यानी कि एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस डिस्टेंस के साथ, एरिया इनटू डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम आएगा हमारा एरिया आ गया, यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ डिस्टेंस के साथ, तो वॉल्यूम इन विच मॉलिक्यूल लाइंग कैन हिट द वॉल, वो भी तो इसको हिट कर सकते हैं वॉल को, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर जो नंबर ऑफ, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें वो एन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम अगर मान लें जो n है, v पर यूनिट वॉल्यूम v के अंदर n मान लें, तो जो हमारा टोटल अगर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल की बात करें वो कितना हो जाएगा n इंटू जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर n मानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, ये पर यूनिट वॉल्यूम है यानी कि n इंटू जो वॉल्यूम है टोटल उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने आ जाएंगे। तो ये यहां तक आपको समझ आ गया, लेकिन यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए कोई भी जो वाल है, मान लीजिए इस तरह की हमने वाल ली, अब यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो ये क्या है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टकरा रहे हैं
और वापस जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, टकराकर इस वाल से इस तरफ जा रहे हैं। अगर ओन एन एवरेज हम देखें, जो आधे मॉलिक्यूल हैं वो तो वाल की तरफ जाएंगे अगर ओन एन एवरेज की बात करें, और दूसरे जो है इससे दूर जाएंगे। तो यही जो है इस तरह से टकराकर वापस आएंगे, टकराकर वापस आएंगे, यानी कि आधे तो इसकी तरफ जा रहे हैं, आधे अगर हम देखें, अगर ओन एन एवरेज लगाएं, लगभग आधे जो टकरा रहे हैं आधे वापिस आ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटीज होती है इसके अंदर, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे जो कि प्लेनर वाल को हिट कर रहे हैं इस डेल्टा टाइम टी इंटरवल में, वो कितने होंगे, वो हमारे हाफ हो जाएंगे। बट अगर एवरेज में लगाएं तो हाफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे वाल की तरफ। एवरेज अगर एक तरह से ले ले, सारे मॉलिक्यूल तो एकदम से टकरा कर नहीं आएंगे, लगभग आधे मॉलिक्यूल टकराएंगे आधे दूर जाएंगे इस तरह से, तो हाफ मॉलिक्यूल वो वाल की तरफ जाएंगे और अदर जो है वाल से दूर जाएंगे, टकराएंगे या टकरा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह से आधे लगभग है, एक टाइम में आधे टकराएंगे और जो आधे दूर जा रहे होंगे, इस तरह से लगभग प्रोसेस चलेगी कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट के अंदर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ, इसका पूरे का हाफ हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है यानी कि हमारा तो हाफ ही टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा सारे का एन इंटू जो ये हमने वॉल्यूम ली थी, तो इसका हाफ हो जाएगा। अब ये तो हमने लिया जो कोलिजन है कि यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। अब वन मॉलिक्यूल का कोलिजन हमारे पास कितना था, यानी कि जो मोमेंटम था जो हमने बात की 2mvx के बराबर था, जो कि मोमेंटम इंपार्ट हुआ था वाल के अंदर एक कोलिजन के अंदर। तो ये हमारे हैं एक एवरेज हमने जो ली, तो अगर हम निकालें टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड हुआ है वाल को, इस वाल को डेल्टा टी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, वो हो जाएगा, ये तो होगा ही जो हाफ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं इस दीवार के साथ, वो तो ट्रांसफर होगा मोमेंटम इनटू एक कोलिजन के अंदर 2mvx, ये हमारा मोमेंटम जो है ट्रांसफर होता है, जो हमने पीछे निकाला था फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम और जो माइनस 2mvx था। तो जो हमारा वाल को ट्रांसफर हो रहा है 2mvx ट्रांसफर हो रहा है एक कोलिजन के अंदर। अगर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर निकालें सभी मॉलिक्यूल के द्वारा जो कि हमने हाफ एवरेज के हिसाब से लिए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2mvx से, जो कि एक कोलिजन के अंदर हमारा मोमेंटम ट्रांसफर था। तो यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें, ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा mna vx का स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टी, ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमने निकाला कि जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है वाल को, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो कि एवरेज में हमने हाफ ले लिए, लगभग आधे जो टकरा रहे हैं। अब अगर हम जब ये इस वाल से टकराए तो ये जो वाल है कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। अब ये जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी वो क्या होगा हमारा, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस वाल के द्वारा वो होगा मोमेंटम ट्रांसफर जितना हुआ है डिवाइड बाय टाइम टेकन, जितना उन्होंने टाइम लिया है मोमेंटम ट्रांसफर करने में, तो उतनी ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वाल, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय टाइम टेकर, यानी कि जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है जो हमने अभी निकाला वो क्या है हमारा mna vx का स्केयर डेल्टी, ये हमने निकाला, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये डेल्टी से, हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ डेल्टी से डेल्टी कैंसिल आउट हो जाएगा, mna vx का स्केयर आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। अब यहाँ पर फोर्स क्या है हमारी, ई आ चुकी है, यानी कि ये क्या है mna vx का स्केयर आ चुकी है, डिवाइड में क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, तो एरिया से एरिया कैंसिल, यानी कि ये क्या आ गया mna vx का स्केयर आ गया, ये चीज आ गई। अब ये चीज आ गई प्रेशर जो कि वाल के ऊपर एग्जर्ट किया गया है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, पी की वैल्यू ये आ गई। लेकिन अब यहाँ पर भी हम एक केस लेंगे कि जो सभी मॉलिक्यूल हैं, अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए कोई हमने क्यूब वाल ली, इस तरह से क्यूबिक की कोई भी वाल ले ली और मॉलिक्यूल्स जो है टकरा रहे हैं इससे, अब इनकी जो है वेलोसिटी सेम तो नहीं होगी, सबकी सेम तो नहीं होगी, ये तो हमने आइडियली लिया, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा इनकी वेलोसिटी के अंदर। तो अगर हम एक एवरेज मान लें कि वो जो है एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं वीएक्स कंपोनेंट के साथ, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो एन अगर हम मान लें नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह कि कितने जो है इससे टकरा रहे हैं, नंबर डेंसिटी हम मान लेते हैं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ये सारी चीजें आप ध्यान से सुनते रहिए। तो जो टोटल प्रेशर होगा तो वो हमें क्या मिलेगा,
वो हमें मिलेगा, इसी को हम चेंज कर लेंगे, जो टोटल प्रेशर मिलेगा ये हमें मिलेगा एम एन वी एक्स का स्केयर तो होगा, लेकिन हम इसके ऊपर ये साइन लगा देंगे। ये साइन किस चीज का है, यानी कि हम ले रहे हैं एवरेज, इस चीज की हमने एवरेज ले ली अब, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का कंट्रीब्यूशन जो है देखना पड़ेगा जो कि इस ग्रुप में है, जो कि इससे टकरा रहे हैं। एन हमने मान ली यहां पर कि वो नंबर डेंसिटी है, एन क्या है नंबर डेंसिटी मान ली किसी भी ग्रुप की जो कि यहां पर टकरा रहे हैं, तो वो हमने एन माना है जो मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, तो एन ये हो गया। अब हम टोटल अगर इनका समेशन करेंगे, यानी कि टोटल प्रेशर अगर हम निकालेंगे, तो हमें करना पड़ेगा पूरा कंट्रीब्यूशन का समेशन करना पड़ेगा, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी इस तरह के ग्रुप हैं जो कि टकरा रहे हैं, तो जो प्रेशर होगा, यानी कि हम एक एवरेज ले लेते हैं। सिंपल सी बात है कि अलग अलग वेलोसिटी है, अलग अलग ग्रुप में चलेंगी, जैसे कि एक ग्रुप की वेलोसिटी अलग है, वो अलग टकराएगी, इसके अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल है, ये एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप उसकी वेलोसिटी अलग है, वो अलग उससे टकरा रहा है, अलग समय पर टकरा रहा है, यानी कि एक के बाद एक इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं, कुछ की सेम वेलोसिटी है, फिर कुछ की एक जैसी वेलोसिटी है, वो टकरा रहे हैं। यानी कि हम ले लेते हैं कि एक एवरेज सी मान ली हमने कि जो वी एक्स का स्केयर है उसका सबका जो है हम एक एवरेज मान लेते हैं इस साइन के थ्रू, कि एवरेज हमने ले लिया। तो अब देखिए जो गैस जो है वो आइसोट्रोपिक है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी जो अगर हम देखें कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है प्रेफर नहीं की गई मॉलिक्यूल की वेसल के अंदर, तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग, ये तो हमने सिर्फ एक्स की बात की, तो यहाँ पर जो एवरेज हमने ली है वी एक्स स्क्वायर, तो हम इसको जो है इक्वल टू ले सकते हैं, अब किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं की गई, तो वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर, यानी कि वी एक्स को हम वी वाई के स्क्वायर ले लें या वी जेड के स्क्वायर ले लें, इसके बराबर आप लिख सकते हैं। और इसको जो है यानी कि Vx जो है Vy स्क्वायर के बराबर है एवरेज के, Vz स्क्वायर के बराबर है एवरेज के, अगर तीनों एक्सिस की बात करते हैं तो उनका मीन के बराबर होगा, यानी कि 1/3, यानी कि x y z जो हमारे तीन एक्सिस हैं, तो 1/3, और इन तीनों को अगर हम सम कर दें तो इसके बराबर होगा, यानी कि Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर और प्लस Vz का स्क्वायर, तो ये 1/3 आ जाएगा, क्योंकि हम तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, Vx, Vy, Vz, या कहें कि तीनों जो कंपोनेंट है वेलोसिटी की उनकी बात कर रहे हैं, तो तीनों की एवरेज डिवाइड बाय 3 हम ले लेंगे। ये क्या लिया हमने, एक तरह का मीन ले लिया इनका। तो अगर Vx, Vy, Vz स्क्वायर को, तो सी इसको आप सी लिख सकते हैं, 1/3 इसको सारी वैल्यू को सी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर आ जाएगा। तो सी स्केयर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है हमने सी स्केयर के बराबर लिख लिया, वी एक्स वी वाई स्केयर वी जेड स्केयर। सी क्या है यहाँ पे, सी का मतलब है मीन स्केयर स्पीड जो है मॉलिक्यूल की, वो चीज हमने ली है, इसको आप रूट मीन स्केयर भी बोलते हैं, जो सी है उसको रूट मीन स्केयर भी बोलते हैं, जो कि मॉलिक्यूल की स्पीड होती है गैस की। यानी कि जो प्रेशर है, अगर हम प्रेशर की बात करें, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 एम एन, अब वी एक्स की जगह आपने क्या लिखा, 1/3 सी स्केयर लिख लिया, 1/3 एम एन सी स्केयर लिख लिया, इसकी जगह आपने ये लिख दिया 1/3 सी स्केयर, तो 1/3 एम एन सी स्केयर यहाँ पे आ गया, 1/3 एम एन सी स्केयर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो m इंटू एन है, जो m क्रॉस n जो है, ये क्या चीज है हमारी, ये है मास ऑफ जो वन मॉलिक्यूल है जो हमने लिया था, और n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी स्टार्टिंग में हमने लिया था, यानी कि ये क्या है हमारा, ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर एक तरह से देखें टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। तो ये मास है एक का, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर टोटल मास की बात करें वो क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं सीधा रो के बराबर आ जाएगा, रो क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस के बराबर जो है एम क्रॉस एन को आप लिख सकते हैं, क्योंकि मास जो है एक मॉलिक्यूल का और जो n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि m बाई वी जो है अगर टोटल लेते हैं तो कैपिटल m बाई वी आ जाएगा टोटल का, और इसको हम रो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप m n को क्या लिखें, यहाँ m n को जो है आप यहाँ m बाई वी भी लिख सकते हैं, m बाई वी सी का स्केयर, या फिर m बाई वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं, रो सी का स्केयर, यानी कि एक तो ये चीज आ जाती है और एक ये चीज जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रेशर का ही एक्सप्रेशन है कि जो एक्सर्ट किया गया है आइडियल गैस के द्वारा इस प्लेनर जो आपने एरिया लिया है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान रखनी है, जो पहली चीज है,
इसके अंदर जो शेप है वेसल की वो हमने आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है आपको कोई भी शेप अगर लें तो आपको इस तरह का एक प्लेन एरिया उसके अंदर से चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कोई भी आप स्मॉल प्लेनर एरिया एरिया लेंगे, कोई भी शेप हो उसका स्मॉल प्लेनर एरिया की बात करेंगे, क्योंकि जो हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला है वहां पर जो है एरिया और डेल्टी हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, 1/3 mv c² आया या फिर 1/3 ρ c² आया, एरिया और डेल्टी तो हमें कहीं पर दिखाई ही नहीं दिया इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम जो है प्लेनर एरिया ही इसके अंदर चूज करेंगे। अगर आपको जो है कोई भी आर्बिट्रेरी शेप भी है तो आप जो है स्मॉल प्लेनर एरिया ही उसके अंदर चूज कर लेंगे अगर आर्बिट्रेरी शेप भी है, और यही स्टेप सारे लगेंगे और ये इसी तरह से सोल्व होगा अगर आर्बिट्रेरी शेप के लिए आप ये इक्वेशन प्रूव करना चाहते हैं। अब देखिए जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा हमारा किसी भी कॉर्नर में हो, किसी भी पोर्शन में हो, मान लीजिए कोई भी आप पोर्शन ले लेते हैं कंटेनर का, किसी भी शेप का है, तो वो सेम होगा सभी जगह। क्यों? क्योंकि पास्कल लॉ कहता है कि जहां प्रेशर जो है एक जगह जो जैसा होगा वो सारी जगह ट्रांसफर वैसा ही होगा, यानी कि जितना प्रेशर होगा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होगा वो, अगर आप कहीं से दबाएंगे तो टोटल ट्रांसफर वो सारी जगह ही होगा। तो एक पोर्शन में अगर आप प्रेशर लेते हैं कंटेनर में सेम रहेगा, सारी जगह ही सेम रहेगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमने जो है कोलिजन आपस का इग्नोर किया है, यानी कि जो मॉलिक्यूल का आपस का कोलिजन है हमने क्या लिया है, कोलिजन का वाल के साथ लिया है, इसके साथ लिया है, इस वाल के साथ जो भी प्लेनर एरिया आपने लिया है आपस का कोलिजन जो है आपने इसके अंदर से नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर कर दिया है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो कोलिजन्स हैं आपस के कोलिजन जो हैं वो आपको इतनी फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलेंगे, या आप कहें कि वो नेग्लिजिबल होंगे एज कंपेयर्ड जो कि कोलिजन होंगे इसकी वाल के साथ, इन मॉलिक्यूल की वाल के साथ होगा। तो इसलिए जो है ये जो है ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा जो भी आपका रिजल्ट आया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारे पास जो एक्सप्रेशन था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।